यूपी के फतेहपुर जिले की पुलिस ने आज डकैती लूट व चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बताते कि पुलिस को सूचना मिली थी कि डकैतों का एक गिरोह डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने डकैतों की घेराबंदी की, जहां अपने आप को घिरते देख डकैतों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जहां पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ कर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 4 डकैत पुलिस के चंगुल से फरार हो गए। पकड़े गए डकैतों के पास से पुलिस ने पहले की गई डकैती व लूट की घटना की नकदी, जेवरात व मोबाइल को बरामद किया है। वहीं एसपी ने फरार हुए गिरोह के मुख्य सरगना पप्पू यादव के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। वहीं इस मामले में एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि स्वाट टीम व मलवा थाने की पुलिस ने आज डकैती लूट व चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उनके पास से नकदी, जेवरात व मोबाइल के साथ साथ घटना में उपयोग किए गए 2 देशी तमंचे के साथ मुठभेड़ के दौरान उपयोग किए गए कारतूस, खोखे भी बरामद किए हैं। यह लोग एक डकैती की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। देखिए, ये जनपद में कई घटनाएं हुई थी, जिसमें चोरी, लूट और डकैती की कुछ घटनाएं हुई, जिसको कि आज स्वॉट की टीम के द्वारा, मलवा टीम के द्वारा, इनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें 6 लोगों को पकड़ा है और इनके पास से भारी बरामदगी हुई है। इसमें करीब 11 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 20,500 रुपये बरामद हुए हैं और इसके पास से 3 तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके पास से कुछ चांदी के आभूषण और सिक्के भी बरामद हुए हैं। ये घरों में जाकर वहाँ पर चोरी, लूटपाट इस प्रकार से करते थे और आज मुठभेड़ के दौरान मलवा पुलिस को, स्वॉट की टीम को इसमें बड़ी सफलता मिली है। इन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, इन पर गैंगस्टर दर्ज किया जाएगा, इनकी संपत्ति जो इन्होंने अपराध कारित कर अर्जित की है वो सारी की सारी संपत्ति की जब्ती होगी। इसमें 4 अभियुक्त अभी फरार हैं। इन चारों में जो मेन अभियुक्त है पप्पू यादव, उस पर हमारी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और इस प्रकार से जितने भी गिरोहबंद होके जो कार्य करते हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार फतेहपुर पुलिस की जारी रहेगी। पुलिस से सूचना क्या मिली थी, डकैती की सूचना मिली थी? देखिए, ये योजना बनाते हुए ये 6 के 6 पकड़े गए थे। हमने स्वॉट की टीम को, सर्विलांस की टीम को और मलवा थाने की टीम को इसमें लगातार लगा रखा था ताकि किसी प्रकार की आगे कोई घटना ना हो और जितनी घटनाएं हुई हैं उनका अनावरण हो, और उसी क्रम में इन लोगों को पकड़ा गया है। ये डकैती की योजना बना रहे थे, जिनको मुठभेड़ के दौरान इनको 6 के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या मुठभेड़ भी हुई है? इनके और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान ये 6 अभियुक्त इनको गिरफ्तार किया गया।